और सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये पागल हो चुके हैं, इनको संविधान को पढ़ना चाहिए। माहौल बनाकर ये लोगों को बताना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और एक झूठा डर दिखाना चाहते हैं मुसलमान के खिलाफ। ब्राह्मण हुआ करता था वो उसके साथ रेप करता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको वो हरिजन बोला करते थे। जो एक झूठा इनका अहम था उसको जिंदा रखना चाहते हैं, और इस देश में धर्म के नाम पर सैकड़ों साल वो राज करना चाहते हैं। तेजी से बढ़ रहा तमाम साधु संत ऐलान कर रहे हैं, आपका क्या भूमिका रहेगी हिंदू राष्ट्र में? देखिए, अगर भारत के संविधान की आप बात करेंगे तो भारत का संविधान ये कहता है कि ये देश सेकुलर स्टेट है। आप उसकी प्रीएम्बल की बात करेंगे तो प्रीएम्बल ही कहता है कि भारत का जो देश है स्टेट का कोई धर्म नहीं है और सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये पागल हो चुके हैं, इनको संविधान को पढ़ना चाहिए। और पूरा संविधान भी नहीं पढ़ना आया तो कम से कम प्रीएम्बल पढ़ लीजिए, जो प्रीएम्बल स्पेशल कहती है। संविधान की बात कर रहे हैं, वो घोषित करने वाले हैं। देखिए, इनके घोषित करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसका एक प्रोसीजर होता है कोई भी चेंज करने का, है ना। ऐसे नहीं कर सकते, अमेंडमेंट करने का एक प्रोसीजर होता है, उसमें सब लोगों की भागीदारी होती है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को नहीं परिवर्तित कर सकते हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता हो। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चीज वॉयलेट करती है तो आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते आप। तो ये एक माहौल बना रहे हैं, देखिए ये माहौल बना रहे हैं 2024 के लिए। दिक्कत बताऊं ना, ये 2024 के लिए माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाकर ये लोगों को बताना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और एक झूठा डर दिखाना चाहते हैं मुसलमान के खिलाफ कि मुसलमान हमारा विरोधी है। जबकि इनकी ये इतिहास रहा है कि अपनी बहन बेटियों की जो शादी करी है वो उन्होंने उन लोगों से करी है, आज भी कर रही है। तो ये झूठा डर दिखाने का। अंबेडकर वादी क्यों विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद देश में संविधान लागू हुआ तो इनके पूर्वजों ने बहुत ताकत लगाई थी कि देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। उस पर वोटिंग हुई तो देश का नाम हुआ, आर्टिकल फर्स्ट की बात करेंगे तो उसमें कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत। तो ये हिंदुस्तान नहीं है, पहली बात तो ये भारत और इंडिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ये भगवान के नाम से स्टार्ट होना चाहिए। फिर उस पर वोटिंग हुई तो भगवान के नाम से स्टार्ट नहीं हुआ, विद द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ भी इनके पूर्वज हार चुके थे। आज ये है सर, आज साधु संत मुख्यमंत्री मंत्री ये सब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये देवदासी की प्रथा दोबारा चलाना चाहते हैं, ये जोगनी की प्रथा फिर दोबारा चलाना चाहते हैं। मंदिरों में जो रेप करते थे दलितों की बेटियों के साथ में, बिल्कुल 100% गंभीर नहीं है, ये सच्चाई में बता रहा हूँ। आप इनके इतिहास उठा के देखिए, देवदासी, प्रभुदासी, जोगनी प्रथा क्या थी? ये वो प्रथा थी कि वो मंदिर की मूर्ति से छोटी बच्चों की शादी करा देते थे, और जो ब्राह्मण हुआ करता था वो उसके साथ रेप करता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको वो हरिजन बोला करते थे। ये परंपरा इस देश में रही है और अभी ये परंपरा खत्म हुई है, फिर दोबारा इस परंपरा को लाना चाहते हैं। और एक परंपरा इस देश में रही है कि एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा, एक करेगा व्यापार, और बहुत सारे लोग सेवा करेंगे। मगर हमारी जो परंपरा है, जो बाबा साहब की परंपरा है, जो बुद्ध की परंपरा है, जो कबीर की परंपरा है, जो रविदास की परंपरा है, वो है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, और सब सबकी सेवा करेंगे। ऐसा है भारत विद्वान, तो ऐसा भारत चाहिए होगा ना सनातन में। देखिए, आज संविधान से क्या प्रॉब्लम है इनको? आपको पूछना चाहिए ना, आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र से क्या प्रॉब्लम है, उनको भी पूछिए कि आपको संविधान से क्या प्रॉब्लम है। बाहर के सब क्यों नहीं आती? 70 साल से वैसे ही चल रहा है, 70 साल से वैसे देश चल रहा है। एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, एक महिला को जिसको पैर की जूती समते हैं इनके जो वह ग्रंथ हैं, उनको विदेशों से कॉपी किया हुआ संविधान है। कौन कहता है? अब ये पढ़ें, विदेशों से कोई कॉपी नहीं किया गया है। अगर सच्चाई, अगर फंडामेंटल चीज किसी देश ने पहले अगर लागू कर ली जाएंगी तो क्या उससे हम कोई सबक नहीं ले सकते? क्या उससे हम कोई राय नहीं ले सकते? बनने नहीं देंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना था पहले, ना कभी बनेगा। इस देश में अखंड भारत है, ये भारत का संविधान चलता है। जब तक भारत का संविधान जिंदा है, जब तक हमारे अधिकार जिंदे हैं, इस देश के लगभग 97% लोगों के अधिकार जिंदे हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र बना तो आप देख लेना, मनुस्मृति को लेकर आएंगे, और मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ था जो IPC रिप्लेस किया गया था, पहले वो मनुस्मृति था, और मनुस्मृति में इंसान को इंसान नहीं समझा गया, वहाँ भेदभाव हुआ करता था। ऐसे ही है जैसे ब्राह्मण इनके मनुस्मृति में ऐसी बना रखा है। आप लोगों को आरोप आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। देखिए,
कोई तोड़ने का काम नहीं कर रहा, भारत के संविधान को मानने का काम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को अखंड देश बनाया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत ही सशक्त संविधान दिया है, जो संविधान से सारा देश चलता है। जितनी भी परंपराएँ हैं देश के अंदर, वो जो पहले परंपरा थी वो सब खत्म हो चुकी है संविधान के आने के बाद में। आर्टिकल 13 ए वाली बात करता है। अब ये हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग फिर दोबारा अपने जो एक झूठा इनका अहम था उसको जिंदा रखना चाहते हैं और इस देश में धर्म के नाम पर सैकड़ों सालों राज करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, संविधान रहेगा, संविधान से देश चलता है, संविधान से पार्लियामेंट चलती है, संविधान से सुप्रीम कोर्ट चलता है, संविधान से सारी संस्थाएँ चलती हैं।